दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि आप किस तरीके से टैली प्राइम के अंदर मल्टी करेंसी का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों मल्टी करेंसी का इस्तेमाल तब किया जाता है जब आप विदेश से कोई भी सामान को खरीद रहे हैं या फिर विदेश में किसी भी सामान को बेच रहे हैं। दोस्तों यहाँ पर जब भी हम किसी भी सामान को परचेज या फिर सेल करते हैं तो हमें वहाँ पर उस देश की करेंसी का इस्तेमाल करना पड़ता है। जैसे हम एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं, अगर आप किसी भी सामान को यूएस से परचेज करते हैं तो इस केस में आपको वहाँ पर जो भी करेंसी का इस्तेमाल करना होगा वो यूएस डॉलर का इस्तेमाल करना होगा। यानी जब भी हमारे बैंक में करेंसी एक्सचेंज होती है तो बैंक अपने कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस को डिडक्ट कर लेता है, करेंसी एक्सचेंज चार्जेस को डिडक्ट कर लेता है और बाकी अमाउंट हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करता है। इन सभी ट्रांजेक्शन को आज हम सीखेंगे टैली प्राइम के अंदर कि आप किस तरीके से टैली प्राइम के अंदर परचेज और सेल करते समय मल्टी करेंसी का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों मल्टी करेंसी के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर एक कंपनी क्रिएट कर लेते हैं मल्टी करेंसी के नाम से। मेलिंग नेम में सेम नाम रखते हुए हमें यहाँ पर अपनी कंपनी का एड्रेस फिल कर लेना है, तो हम फटाफट यहाँ पर अपनी कंपनी का एड्रेस फिल कर लेते हैं। इसके बाद यहाँ से आपको अपना स्टेट सेलेक्ट करना है, यहाँ पर आपको पिन कोड डाल देना है, तो यहाँ पर हम अपना पिन कोड डाल देते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपको टेलीफोन नंबर फिल कर लेना है, तो यहाँ पर रेंडमली है टेलीफोन नंबर फिल कर ले रहे हैं। इसके बाद यहाँ पर आपको अपनी कंपनी का मोबाइल नंबर फिल करना है, तो रेंडमली हमने यहाँ पर एक मोबाइल नंबर फिल कर लिया। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी कंपनी का फैक्स नंबर फिल करते हुए एंटर प्रेस करना है। यहाँ पर आपको अपनी कंपनी की ईमेल आईडी फिल कर देनी है, तो यहाँ पर भी हम एक रेंडमली ईमेल आईडी डाल दे रहे हैं। इसके बाद यहाँ पर आपको अपनी कंपनी की वेबसाइट डालनी होगी, तो हम यहाँ पर अपनी कंपनी की वेबसाइट फिल कर देते हैं। इसके बाद आपको एंटर करके इसे यहाँ पर एक्सेप्ट कर लेना है। इतना करने के बाद आप देख सकते हैं कंपनी हमारी यहाँ पर क्रिएट हो गई है। अब सबसे पहले हमें यहाँ पर जीएसटी को एप्लीकेबल करना है, तो जीएसटी एप्लीकेबल करने के लिए आपको अपने कीबोर्ड से प्रेस करना है F11। F11 प्रेस करते ही आप यहां पर देख सकते हैं आपके सामने कंपनी फीचर विंडो ओपन हो जाएगी। इसके बाद यहां पर आपको आना है टैक्सेशन पार्ट के अंदर, यहां पर आपको जीएसटी को एप्लीकेबल कर लेना है और यहां पर आपको अपनी कंपनी का जीएसटी नंबर फिल कर लेना है। तो दोस्तों रेंडमली हमने यहां पर एक जीएसटी नंबर फिल कर लिया है, उसके बाद हम यहां पर एंटर प्रेस करेंगे। जीएसटी R1 को आप मंथली फाइल करना चाहते हैं या फिर क्वार्टरली, आप अपने हिसाब से यहां पर सेलेक्ट कर सकते हैं। तो हम यहां पर मंथली सेलेक्ट करते हुए इसे यहां पर एंटर करके एक्सेप्ट करेंगे। बाकी इन सभी चीज़ों के बारे में मैं डिटेल वीडियो ऑलरेडी पहले बना चुका हूं, आप चाहें तो प्लेलिस्ट में जा करके इन सभी के बारे में अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। हम यहाँ पर इसे एक्सेप्ट करेंगे और उसके बाद हम यहाँ पर इसे एंटर करके यहाँ पर भी इसे एक्सेप्ट कर लेंगे। दोस्तों इतना करने के बाद यहाँ पर हमारी जीएसटी एक्टिवेट हो गई है। अब हमें यहाँ पर सबसे पहले करेंसी को क्रिएट करना है, तो करेंसी क्रिएट करने के लिए आप देखेंगे सबसे पहले आपको दिखाई देगा पहला ऑप्शन क्रिएट का, आपको क्रिएट वाले ऑप्शन पर जाकर के एंटर प्रेस करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा करेंसी का, आपको यहाँ से करेंसी को सेलेक्ट करते हुए एंटर प्रेस करना है। इतना करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं आपके सामने एक ऑप्शन दिखाई देगा क्रिएट न्यू का, और उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं आपको एक और ऑप्शन मिलेगा ऑल्टर एग्जिटिंग का। यानी आपने अगर पहले से ही कोई करेंसी क्रिएट कर रखी है तो यहाँ पर आप जा करके उसे आप ऑल्टरेशन कर सकते हैं। हम यहाँ पर एक नई करेंसी को क्रिएट करने वाले हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं रुपीज़ की करेंसी हमारी यहाँ पर डिफॉल्ट सेटअप है, तो हमें यहाँ पर एक नई करेंसी क्रिएट करनी है डॉलर और पाउंड की, तो उसके लिए हम यहाँ पर क्रिएट वाले ऑप्शन पर जा करके एंटर प्रेस करेंगे। इतना करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं आपके सामने कुछ इस तरीके की विंडो ओपन होगी। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं हम यहाँ पर दो करेंसी को क्रिएट करने वाले हैं। सबसे पहले करेंसी आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारी डॉलर है और दूसरी करेंसी हमारी यहाँ पर पाउंड है, जिसका ISO सिंबल आप यहाँ पर देख सकते हैं हमने यहाँ पर लिखा हुआ है, करेंसी का नाम लिखा हुआ है और प्रेजेंट में अभी क्या रेट है वो हमने यहाँ पर डिसाइड किया हुआ है इंडियन रुपीज़ के अंदर। तो हम इसी हिसाब से यहाँ पर करेंसी को क्रिएट करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्रिएट करते हैं US डॉलर को, तो उसके लिए हम यहाँ पर वापस से अपनी टैली प्राइम में आ जाएंगे और यहाँ पर हम शिफ्ट के साथ डॉलर का सिंबल अपने कीबोर्ड से प्रेस करेंगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं डॉलर का सिंबल आपके सामने यहाँ पर रिप्रेजेंट हो जाएगा और उसके बाद आपको यहाँ पर एंटर प्रेस करना है। एंटर प्रेस करते ही आप यहाँ पर देख सकते हैं आपसे पूछा जाएगा इसका फॉर्मल नेम, तो हम यहाँ पर डाल देते हैं US डॉलर। इतना लिखने के बाद हम यहाँ पर एंटर प्रेस करेंगे और यहाँ से आपसे पूछा जाएगा इसका ISO करेंसी कोड, तो इसका जो ISO करेंसी कोड है वो यहाँ पर हम लिख देते हैं UST और उसके बाद हम यहाँ पर एंटर प्रेस करेंगे। इतना करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं आपसे पूछा जा रहा है नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस, इसका मतलब ये है कि जैसे हम कोई भी इंडियन रुपीज़ या कोई भी करेंसी लिखते हैं तो पॉइंट के बाद हम यहाँ पर कितनी वैल्यू को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, तो फिलहाल यहाँ पर जो बाई डिफ़ॉल्ट होता है वो दो ही होता है, इसलिए यहाँ पर हम दो को रखते हुए एंटर प्रेस करेंगे। इसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं आपसे पूछा जा रहा है शो अमाउंट इन मिलियंस, क्या आप अपने अमाउंट को मिलियंस में शो कराना चाहते हैं। अगर आप कराना चाहते हैं तो आप इसे यस प्रेस करके एंटर प्रेस कर सकते हैं। फिलहाल हम इसे यहाँ पर नो रखते हुए एंटर प्रेस करेंगे
तो दोस्तों आप यहां पर देख सकते हैं, आपको एक और ऑप्शन दिखाई देगा, सुफिक्स सिंबल टू अमाउंट। सुफिक्स एंड प्रीफिक्स के बारे में आप जानते ही होंगे, प्रीफिक्स का मतलब होता है आगे की तरफ और सुफिक्स का मतलब होता है पीछे की तरफ। तो दोस्तों क्या आप चाहते हैं आपका जो ये करेंसी सिंबल है वो अमाउंट के लास्ट में रिप्रेजेंट हो, तो उसके लिए आप यहां पर इसे यस प्रेस कर सकते हैं। वैसे जितनी भी करेंसी होती है, करेंसी का सिंबल सबसे पहले होता है, उसके बाद अमाउंट लिखा होता है। तो हम फिलहाल इसे भी यहां पर नो रखते हुए एंटर प्रेस करेंगे। इसके बाद आप यहां पर देख सकते हैं आपसे पूछा जा रहा है कि ऐड स्पेस बिटवीन अमाउंट एंड सिंबल, क्या आप अमाउंट और सिंबल के बीच में स्पेस देना चाहते हैं। अगर आप स्पेस देना चाहते हैं तो आप इसे यस करेंगे, अदरवाइज इसे आप नो रखेंगे। तो दोस्तों अमाउंट और सिंबल के बीच में यहां पर स्पेस नहीं होता, तो हम इसे भी नो रखते हुए एंटर प्रेस करेंगे। आप अपने हिसाब से अगर चाहें तो इसे कस्टमाइज कर सकते हैं। इसके बाद आप यहां पर देखेंगे आपको एक और ऑप्शन दिखाई देगा, वर्ड रिप्रेजेंटिंग अमाउंट आफ्टर डेसिमल। क्या आप चाहते हैं कि जब भी कोई वैल्यू यहां पर लिखी जाए, जैसे हम यहां पर लिखते हैं 100 रुपीज, और उसके बाद आप चाहते हैं कि जो उसका डेसिमल प्लेस हो, यानी 100 रुपीज के बाद पॉइंट के बाद जो डेसिमल प्लेस है उसमें बाय डिफॉल्ट कोई डेसिमल वैल्यू आप चाहते हैं, तो वो वैल्यू आप यहां पर टाइप कर सकते हैं, जैसे 10 रुपये 10 पैसे। तो यहां पर हम कोई भी वैल्यू नहीं चाहते हैं, हम जितना अमाउंट लिखें केवल उतना ही अमाउंट हमारे सामने रिप्रेजेंट हो, तो इसलिए हम यहां पर भी कोई वैल्यू टाइप नहीं करेंगे। इसके बाद हम यहां पर एंटर प्रेस करेंगे। दोस्तों इसके बाद आप यहां पर देख सकते हैं आपको एक और ऑप्शन दिखाई देगा, नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस फॉर अमाउंट इन वर्ड्स। दोस्तों जब भी हमारा अमाउंट वर्ड्स में लिखा जाए तो उसके लास्ट के दो ही वर्ड्स यहां पर रिप्रेजेंट हो वर्ड्स के अंदर, जैसे 10 रुपीज़ 10 पैसा। तो यहां पर अगर आप और भी वैल्यू इंक्रीज करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि डेसिमल प्लेस यहां पर और भी इंक्रीज करना, तो आप यहां पर 2 की जगह 3 4 लिख सकते हैं। वैसे मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि यहां पर दो ही अमाउंट यहां पर रेफर किया जाता है और दो ही अमाउंट हमारा वैलिड होता है, तो इसलिए हम यहां पर 2 रखते हुए इसे यहां पर एंटर करके इसे यहां पर एक्सेप्ट कर लेंगे। तो दोस्तों इतना करने के बाद आप यहां पर देख सकते हैं हमने यहां पर डॉलर की करेंसी यहां पर क्रिएट कर ली है। इसी तरीके से हम यहां पर एक पाउंड की करेंसी भी क्रिएट करके आपको दिखा देते हैं। पाउंड की करेंसी को क्रिएट करने के लिए आपको सबसे पहले अपने कीबोर्ड से प्रेस करना होगा, ऑल्ट को प्रेस करके आपको Alt 156 टाइप करना होगा। इतना टाइप करते ही आप यहां पर देख सकते हैं आपको पाउंड का सिंबल दिखाई दे जाएगा। तो दोस्तों पाउंड के सिंबल के बाद आपको यहां पर एंटर प्रेस करना है, यहां पर उसका फॉर्मल नेम टाइप कर देना है। तो हम यहां पर टाइप कर देते हैं पाउंड, और इसके बाद यहाँ पर आपको उसकी करेंसी का ISO सिंबल टाइप कर देना है। तो दोस्तों यहाँ पर हम टाइप कर देते हैं GBP, और उसके बाद यहाँ पर एंटर करके आप यहाँ से इसे एक्सेप्ट कर लीजिए। तो दोस्तों इतना करने के बाद हमने यहाँ पर 2 करेंसी क्रिएट कर ली है। इसके बाद हम यहाँ से स्कैप करके बाहर आएंगे। इसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा रेट ऑफ एक्सचेंज का, तो हमें यहाँ पर रेट ऑफ एक्सचेंज को सेलेक्ट करते हुए यहाँ पर एंटर प्रेस करना है। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं हमने जितनी भी करेंसी यहाँ पर क्रिएट की थी वो दोनों ही करेंसी आपको यहाँ पर दिखाई देगी। आपको एंटर प्रेस करके नीचे आ जाना है, और प्रेजेंट में अभी इंडियन रुपीज में $1 का क्या रेट है वो आपको यहाँ पर फिल करना होगा। तो हम यहाँ पर टाइप कर देते हैं 83 रुपीज़ पर डॉलर है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं आपसे पूछा जा रहा है सेलिंग रेट, तो अगर आप यहाँ पर कोई भी गुड्स को सेल करते हैं जो कि आप यहाँ पर डॉलर के अंदर सेल करना चाहेंगे, तो उसके ऊपर आप क्या रेट दे करके इसे सेलिंग करना चाहते हैं वो रेट आपको यहाँ पर डिफाइन करना होगा। तो बेसिकली हम यहाँ पर टाइप कर देते हैं 85 रुपीज़, और उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं बाइंग रेट है। जब आप कोई गुड्स को परचेज करेंगे तो परचेज करते समय क्या रेट आप लेंगे वो आपको यहाँ पर डिफाइन करना है, तो हम यहाँ पर टाइप कर देते हैं 84 रुपीज़। उसके बाद हम यहाँ पर एंटर प्रेस करेंगे। इसी तरीके से आपको पाउंड को सेटअप करना होगा, तो पाउंड की जो वैल्यू अभी प्रेजेंट में है 105 रुपये है, तो 105 रखते हुए हम यहाँ पर एंटर प्रेस करेंगे। सेलिंग रेट में हम यहाँ पर दे देते हैं 110 रुपये, और बाइंग रेट में हम यहाँ पर दे देते हैं 108 रुपये। इतना करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं हमने यहाँ पर करेंसी का जो रेट था वो यहाँ पर हमने डिफाइन कर दिया है। इसके बाद हम इसे एक्सेप्ट करेंगे। एक्सेप्ट करने के बाद आपको यहाँ से स्कैप करके बाहर आ जाना है, और आ जाना है वाउचर्स के ऊपर। वाउचर में आने के बाद अब हम यहाँ पर सेल की एक एंट्री पास करके आपको देते हैं, तो उसके लिए हमें यहां पर अपने कीबोर्ड से F8 प्रेस करना होगा, और या तो फिर आप यहां पर देख सकते हैं आपके सामने राइट साइड में आपको सेल दिखाई देगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। दोस्तों इतना करने के बाद आप यहां पर देख सकते हैं सेल वाउचर हमारे सामने यहां पर ओपन हो जाएगा। यहां पर सबसे पहले हमें एक पार्टी को क्रिएट करना होगा, तो पार्टी क्रिएट करने के लिए आप यहां पर अपने कीबोर्ड से प्रेस कर सकते हैं ऑल्ट के साथ सी। ऑल्ट सी प्रेस करते ही आप देख सकते हैं आपके सामने लेजर क्रिएशन विंडो ओपन हो जाएगी, और यहां पर हम एक पार्टी का लेजर क्रिएट कर लेते हैं। एग्जांपल के लिए हमने यहां पर मोहन इंडस्ट्रीज के नाम से एक लेजर क्रिएट किया, इसको अंडर ऑफ डाल देते हैं सेंडरी डेबिटर के, और उसके बाद यहां पर हम इसे एंटर करके आप इसे एक्सेप्ट कर लीजिए।
इतना करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं डिस्पैच डिटेल आपको दिखाई देगा। तो फिलहाल हम इसमें कोई भी डिटेल फिल नहीं कर रहे हैं, इसे भी हम यहाँ पर एंटर एंटर करके एक्सेप्ट करेंगे। और पार्टी डिटेल में यहाँ पर भी हम कोई डिटेल फिल नहीं कर रहे हैं, हम इसे एंटर एंटर करके एक्सेप्ट करेंगे। यहाँ पर हमें एक सेल्स का लेजर क्रिएट करना होगा, तो क्रिएट वाले ऑप्शन पर जाकर के हम यहाँ पर एंटर प्रेस करेंगे, यहाँ पर टाइप करेंगे सेल और उसको अंडर ऑफ डाल देंगे सेल्स अकाउंट के। और यहाँ पर आपको एंटर एंटर प्रेस करके यहाँ पर गुड्स रखते हुए आप यहाँ पर इसे एक्सेप्ट कर लीजिए। इतना करने के बाद अब आप यहाँ पर देख सकते हैं आपसे आइटम मांगा जा रहा है, तो यहाँ पर हम एक आइटम क्रिएट कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम प्रेस करेंगे ऑल्ट सी, ऑल्ट सी प्रेस करते ही मान लीजिए हम यहाँ पर टाइप कर देते हैं 13 Pro Max, एंटर प्रेस करते ही इसका अंडर ऑफ ग्रुप यहाँ पर क्रिएट कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपको क्रिएट वाले ऑप्शन पर जाकर के एंटर प्रेस करना है। यहाँ पर हम टाइप कर देते हैं एप्पल, कि हमारा ये जो आइटम है वो एप्पल का आइटम है, इसे अंडर ऑफ प्राइमरी रखते हुए हम एंटर प्रेस करेंगे। शुड क्वांटिटी ऑफ आइटम बी एडिड, इसको हम यहाँ पर वाई प्रेस करते हुए एंटर प्रेस करेंगे। तो दोस्तों इसके बारे में भी मैं डिटेल वीडियो बना चुका हूँ, इसके बारे में आप प्लेलिस्ट में जाकर के और भी अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। आपको यहाँ पर एंटर प्रेस करना है, यहाँ पर आपको अपना HSN नंबर डिफाइन करना है। तो यहाँ पर स्पेसिफाइड डिटेल हेयर को सेलेक्ट करते हुए हम यहाँ पर HSN नंबर टाइप कर देते हैं। तो रेंडमली हमने यहाँ पर एक HSN नंबर टाइप कर दिया है, डिस्क्रिप्शन में हम यहाँ पर टाइप कर देते हैं मोबाइल। इसके बाद हम यहाँ पर एंटर प्रेस करेंगे, यहाँ पर आपको अपना GST रेट डिफाइन करना होगा। तो यहाँ पर हम सेलेक्ट करते हैं स्पेसिफाइड डिटेल हेयर, यहाँ पर टैक्सेबल को सेलेक्ट करते हुए एंटर प्रेस करेंगे। GST रेट हमने यहाँ पर 18% रखते हुए इसे यहाँ पर एक्सेप्ट कर लिया है। यहाँ पर आपको यूनिट क्रिएट करना है, तो यूनिट क्रिएट करने के लिए यहाँ पर आपको क्रिएट वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करते हुए एंटर प्रेस करना है। यहाँ पर मान लीजिए हम क्रिएट कर लेते हैं NOS नोज, और उसके बाद यहाँ पर हम टाइप कर देते हैं नंबर्स, और अगर आप चाहें तो यहाँ पर भी N टाइप करके नंबर्स को सेलेक्ट कर सकते हैं, और उसके बाद यहाँ पर इसे एक्सेप्ट कर लीजिए। दोस्तों इतना करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं स्टेटरी डिटेल्स के अंदर आपको सभी डिटेल्स यहाँ पर बाय डिफॉल्ट दिखाई देंगी, इसमें आपको कोई भी छेड़खानी नहीं करनी, आपको केवल इसे एंटर एंटर करके यहाँ पर इसे एक्सेप्ट कर लेना है। दोस्तों इतना करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं आपसे क्वांटिटी मांगी जा रही है, तो यहाँ पर आप कितना गुड्स यहाँ पर सेल कर रहे हैं उतनी क्वांटिटी यहाँ पर फिल करेंगे। तो फिलहाल हम यहाँ पर एक पीस को रखते हुए एंटर प्रेस करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं वार्निंग आ रही है नेगेटिव स्टॉक की, क्योंकि हम आपको इसे समझाने के लिए यहाँ पर ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, हमारे पास अभी स्टॉक में कोई भी गुड्स नहीं है। तो फिलहाल हम यहाँ पर नेगेटिव स्टॉक रखते हुए एंटर प्रेस करेंगे। यहाँ पर हमें इसका प्राइस देना होगा, तो दोस्तों प्राइस देने के लिए आपको मैं क्लियर करना चाहूँगा, जब भी आप यहाँ पर प्राइस टाइप करेंगे तो आपको ध्यान रहे यहाँ पर आपको US डॉलर के अंदर इसका प्राइस डालना होगा। तो US डॉलर के अंदर प्राइस डालने के लिए आपको सबसे पहले शिफ्ट के साथ US डॉलर का सिंबल यहाँ पर लगाना होगा, और उसके बाद आप यहाँ पर इसका प्राइस डालेंगे। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर डाल देते हैं $500, और उसके बाद जैसे हम यहाँ पर एंटर प्रेस करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं $500 के हिसाब से यहाँ पर जो हमारी करेंसी बनी है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं 42,500 रुपये की हमारी टोटल इंडियन करेंसी में आपको यहाँ पर रुपीस दिखाई देगा। इसके बाद आपको यहाँ पर एंटर प्रेस करना है। एंटर प्रेस करते ही आप यहाँ पर देख सकते हैं सेलिंग रेट में आप यहाँ पर देख सकते हैं $500 जो है हमारा वो अगर मल्टीप्लाई होता है 85 रुपीज़ यानी इंडियन करेंसी से, तो टोटल अमाउंट यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका 42,500 रुपये का अमाउंट यहाँ पर टोटल इंडियन रुपीज़ में यहाँ पर बनता है। इसके अलावा अगर आप यहाँ पर चाहें तो यहाँ पर अमाउंट को चेंज भी कर सकते हैं, जो भी रेट हमारा ऊपर या नीचे करेंसी का होता है आप अपने हिसाब से यहाँ पर वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। आपको बार बार करेंसी एक्सचेंज में जाने की आवश्यकता नहीं है, आपको यहीं पर इसे चेंज कर लेना है। उसके बाद हम यहाँ पर एंटर प्रेस करेंगे। एंटर प्रेस करते हुए हम एक बार यहाँ नीचे आ जाएंगे, एक बार और एंटर प्रेस करेंगे, और यहाँ पर हम चाहते हैं इसके ऊपर GST टैक्स को अप्लाई करना, तो उसके लिए भी हम यहाँ पर ऑल्ट के साथ सी प्रेस करेंगे। यहाँ पर एक लेजर क्रिएट कर लेते हैं CGST के नाम से, इसको अंडर ऑफ डाल देंगे हम ड्यूटीज एंड टैक्सेस, यहाँ से GST को सेलेक्ट करेंगे, और यहाँ पर CGST को सेलेक्ट करते हुए एंटर एंटर करके इसे यहाँ पर एक्सेप्ट कर लेंगे। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं $45 का आपका यहाँ पर देख सकते हैं GST टैक्स यहाँ पर लग चुका है, जो कि अभी फिलहाल हमारा CGST है। इसके बाद हम यहाँ पर एंटर प्रेस करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं फॉरन अमाउंट यहाँ पर हमारा $45 है, जो कि इंडियन रुपीज़ में 3,825 रुपये बनता है। हम यहाँ पर एंटर प्रेस करके इसको यहाँ पर एक्सेप्ट करेंगे। इसी तरीके से हम फिर से ऑल्ट सी प्रेस करेंगे और यहाँ पर हम SGST ले लेंगे। उसके बाद इसे भी हम डालेंगे अंडर ऑफ ड्यूटीज एंड टैक्सेस GST, और यहाँ से SGST और UT GST को सेलेक्ट करते हुए एंटर एंटर प्रेस करके इसे यहाँ पर एक्सेप्ट कर लेंगे। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारा GST रेट यहाँ पर सेटअप हो चुका है, और साथ के साथ आप यहाँ पर देख सकते हैं उसका फॉरेन अमाउंट और इंडियन करेंसी अमाउंट भी यहाँ पर आपको रिफ्लेक्ट हो रहा है। आपको केवल एंटर प्रेस करना है। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारी जो टोटल वैल्यू बनी है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं 50,150 रुपये यहाँ पर इंडियन रुपीस में हमारी वैल्यू बनी है। और अगर आप यहां पर देखेंगे US डॉलर के अंदर 590 आपको यहां पर दिखाई देगा, तो $590 का जो वैल्यू हमारी यहां पर इंडियन करेंसी के हिसाब से बनती है वो हमारी बनती है 50,150 रुपये, जिसका यहां पर सेलिंग रेट हमने सेट किया था 85 रुपीस।
तो दोस्तों यहाँ पर हम इसे एंटर करके इसे यहाँ पर एक्सेप्ट कर लेते हैं। इतना करने के बाद अब मान लीजिए हमें मोहन से पेमेंट को भी रिसीव करना है, तो दोस्तों हम किस तरीके से यहाँ पर पेमेंट को रिसीव करेंगे। रिसीव करने के लिए हम यहाँ पर अपने कीबोर्ड से प्रेस करेंगे F6 प्रेस करते ही आप यहाँ पर देख सकते हैं रिसिप्ट वाउचर यहाँ पर हमारे सामने ओपन हो चुका है। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको एक बात और क्लियर करना चाहूँगा कि जब भी हम कोई भी करेंसी यहाँ पर एक्सचेंज करते हैं तो उस केस में बैंक कुछ चार्जेस यहाँ पर डिटेक्ट कर लेता है, यानी कि पूरा का पूरा पैसा वो हमारे अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करता, एक्सचेंज चार्जेस जितना भी होता है वो अपने हिसाब से यहाँ पर डिटेक्ट कर लेता है। तो मान लीजिए हम यहाँ पर पार्टी से जो पैसा यहाँ पर रिसीव कर रहे हैं उसके अंदर में यहाँ पर बैंक चार्जेस को भी यहाँ पर डिटेक्ट करेंगे, तो किस तरीके से आप बैंक चार्जेस के साथ साथ पार्टी से पैसा यहाँ पर रिसीव करेंगे उसकी एंट्री भी हम किस तरीके से करेंगे आइए जानते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पर लेंगे मोहन इंडस्ट्रीज को, जिससे हमें यहाँ पर पैसा रिसीव करना है, इसको सिलेक्ट करते हुए हम यहाँ पर एंटर प्रेस करेंगे। टोटल अमाउंट यहाँ पर देख सकते हैं 48,970 रुपए का यहाँ पर अमाउंट है जो कि हमें यहाँ पर उससे रिसीव करना है, तो हम यहाँ पर टाइप कर देते हैं 48,970 रुपए। इसके बाद हम यहाँ पर एंटर प्रेस करेंगे। एंटर प्रेस करते ही आप यहाँ पर देख सकते हैं बिल नंबर हमें यहाँ पर दिखाई देगा, जिस बिल के अगेंस्ट हम यहाँ पर उससे पैसा रिसीव कर रहे हैं उसे सिलेक्ट करते हुए हम यहाँ पर एंटर प्रेस करेंगे। एंटर प्रेस करने के बाद आप यहाँ पर डेबिट साइड में आएंगे और डेबिट साइड में यहाँ पर आपको एक लेजर क्रिएट करना पड़ेगा बैंक चार्जेस का, तो उसके लिए आपको यहाँ पर अपने कीबोर्ड से प्रेस करना है ऑल्ट के साथ सी और यहाँ पर एक लेजर हम लोग क्रिएट कर लेते हैं बैंक चार्जेस के नाम से और इसे अंडर डाल देंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंस के। इसके बाद आपको यहाँ पर एंटर करके इसे यहाँ पर इसे एक्सेप्ट कर लेना है। दोस्तों इतना करने के बाद आप यहाँ पर देखेंगे आपका यहाँ पर टोटल अमाउंट आपको रिफ्लेक्ट होगा, लेकिन यहाँ पर हमें जो चार्जेस फिल करना है वो यहाँ पर बैंक चार्जेस फिल करना है। अब बैंक चार्जेस मान लीजिए यहाँ पर $5 है, तो $5 को हम यहाँ पर किस तरीके से फिल करेंगे, उसके लिए सबसे पहले स्पेस दबा करके यहाँ से हम अमाउंट को क्लियर कर लेंगे। अमाउंट क्लियर करने के बाद आपको अपने कीबोर्ड से शिफ्ट के साथ यहाँ पर डॉलर का सिंबल लगाना है और यहाँ पर आपको 5 डाल करके एंटर प्रेस कर देना है। दोस्तों इतना करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं $5 का जो वैल्यू यहाँ पर बना वो 425 रुपये यहाँ पर इंडियन रुपीज़ में बन चुका है जो कि यहाँ से अभी माइनस हो जाएगा। इसको सेलेक्ट करते हुए हम यहाँ पर एंटर प्रेस करेंगे। एंटर प्रेस करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं आपको क्रेडिट दिखाई दे रहा है, तो क्रेडिट को आपको यहाँ पर डेबिट कर देना है, डी दबा करके आपको एंटर प्रेस करना है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं आपका डेबिट आपको यहाँ पर शो हो जाएगा। इसके बाद आपको यहाँ पर अपने बैंक को सिलेक्ट कर लेना है जिस बैंक में आप अपना पैसा रिसीव कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर सिलेक्ट कर लेते हैं HDFC को। HDFC सिलेक्ट करते ही आप यहाँ पर देख सकते हैं 48,545 रुपये यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे सामने यहाँ पर रिसीव हो गया और नीचे की तरफ आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारी जो वैल्यू है तो दोनों ही तरफ यहाँ पर बैलेंस हो चुकी है। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको एक बार क्लियर कर देना चाहूँगा, हमने जो बैंक का यहाँ पर लेजर क्रिएट किया है वो मान लीजिए HDFC का हमने यहाँ पर बैंक लेजर क्रिएट किया है। यहाँ पर इसे अंडर ऑफ बैंक अकाउंट डालेंगे और उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी सभी डिटेल्स को फिल कर लेना है, फिर वो चाहे आपका अकाउंट नंबर हो, IFSC कोड हो, स्विफ्ट कोड हो, बैंक नेम हो और ब्रांचेस हो, इन सभी डिटेल्स को आपको यहाँ पर फिल कर लेना है और उसके बाद आपको यहाँ पर इसे एंटर करके एक्सेप्ट कर लेना है। एक्सेप्ट करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं आपकी जो टोटल वैल्यू है वो यहाँ पर आपको दिखाई दे जाएगी और यहाँ पर आपको अपना इंस्ट्रूमेंट नंबर फिल करते हुए यहाँ पर इस एंट्री को सेव कर लेना है। यहाँ पर हमने अपना इंस्ट्रूमेंट नंबर फिल कर लिया है और उसके बाद हम यहाँ पर एंटर करके इसे यहाँ पर एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो दोस्तों इस तरीके से आप मल्टी करेंसी का यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं, इसी तरीके से आप पाउंड करेंसी का भी आप यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं और इसी तरीके से आप ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर सकते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा।